रात का ड्रेस और वीडियो वो भी जल्दी से दिखा दूंगी। वो भी ज्वेलरी बहुत हसीन है, वो तो टीके के साथ है। वो ज्वेलरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत जब सेल लगे ना रमज़ान में तो ज़रूर विज़िट किया करें, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं सेल में। तो ये थी जी मेरा वलीमे वाला। बहुत फैला हुआ है पूरे बेडरूम में कपड़े, एक तरफ पैकिंग हो रही है, रोहेल पैकिंग कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही थी, फिर साथ साथ मुझे इस चैनल के लिए भी वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि वो कल भी व्लॉग नहीं अपलोड किया था, लाइट बहुत तंग कर रही है, मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम, शोर ना करें बेटा। अस्सलाम वालेकुम, फुटबॉल खेल रहा था बाहर। वेलकम टू कमल कहानी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और जी आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने लगी हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जैसे कि आप सबकी पुरजोर क्या हो रहा है आज, पुरजोर फरमाइश है कि जो शादी वाले ड्रेसेस हैं ना वो डिटेल से दिखा दें। तो मैं आज दिखा रही हूँ आपको जो मैंने लिया था मारिया बी से, और वो मैंने पहना है वलीमे पे। तो वलीमे में जो पहना है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसकी ज्वेलरी भी आपको दिखा रही हूँ, और जो उसके साथ हील पहनी थी वो भी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो वो था जी मारिया बी का पलच्छी का, और पलच्छी की खूबसूरत सी शॉल थी उसके साथ, और वो मैंने लिया था 14,250 का अनस्टिच। सिर्फ अपने लिए नहीं लिया था, काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स के लिए लिया था। आप लोग पूछते हैं ना आप क्या करती हैं, आप डिज़ाइन करती हैं, आपके घर में डमी क्यों है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मेरा जो फर्स्ट चैनल है कमल रुहेल आप लिखेंगे तो आ जाएगा, वो आप जाके थोड़ा विज़िट कर लें, आपको आइडिया आ जाएगा। और किसी दिन कोई ऐसा वीडियो बनाती हूँ, ऐसा ब्लॉग बनाती हूँ जिसमें आपके बहुत सारे सवाल हो जो आप पूछते हैं ना उसके जवाब दें, ठीक है। तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, हाँ जी याद करा दिया मैंने, इंस्टाग्राम का आप पूछते हैं तो वो है जी कमल रुहेल वन। मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगी अपना इंस्टाग्राम भी, और जो मेरा फर्स्ट चैनल है कमल रुहेल, वहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, शॉपिंग की मिल जाएंगी, ब्रांड्स की जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ वो मिल जाएंगी। यहाँ पर जस्ट ब्लॉग अपने डिज़ाइनिंग या कुछ इस तरह की बस जो वीडियो है ना वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, डेली मेरी रूटीन जो होती है वो। तो चले मैं आपको वलीमे वाला जो ड्रेस है ना वो दिखाती हूँ, ठीक है। और ये बहुत सारा बना था, ये भी दिखाती हूँ, ऐसे ज्वेलरी तो मैं भी दिखाऊंगी कितने के लिए, ये भी बताऊंगी। ये है मेरा ड्रेस, पैक किया हुआ है मैंने ऐसे, ठीक है, इसको नहीं खोलने लगे क्योंकि और भी बने हैं, तो यहाँ दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। अगर इसकी फुल आपको डिटेल चाहिए ना, ये कैसे बनाए, ये मैंने कैसे बनवाए, हैंगिंग कैसे, इसमें नहीं नज़र आएंगी, इधर आ जाते हैं, हैंगिंग कैसे बनवाएंगे, तो जी वो वीडियो कमल रुहेल जो मेरा चैनल है ना उस पर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगी, यहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें हैं ताकि ज्वेलरी वगैरह शूज़ सब दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए, हाँ जी मैं ड्रेस बनाती हूँ, ये देखें, ये बनाया था ऐसे तकरीबन 7 to 8 बने, अभी अनस्टिच भी बाकी हैं जो बनने हैं। अच्छा ये इसकी पलच्छी की खूबसूरत सी शॉल है, बहुत प्यारी, जिसमें मैंने ये लेस लगाई थी, आप डिफरेंट लेस देख रहे हैं, ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी और एक कुछ पे ये लेस भी लगी है, ठीक है, और कुछ पे ये लगी है, डाई करवाइए, ये वाइट पे थी, ये भी वाइट पे थी, वो भी वाइट पे थी, ठीक है। हाँ जी इसको कर दें आप। अच्छा जी ये साथ साथ पैकिंग भी कर रहे हैं ना तो मैं उनको बता रही हूँ। अच्छा जी ये पलच्छी की खूबसूरत सी शॉल थी, और वलीमे की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लें, या उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी और पिक्चर भी लगा दूँगी, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, जो पहली बार चैनल पर हैं। ये पहना था जी मैंने वलीमे पर, बहुत ही हसीन लग रहा था। अच्छा वैसे मैं इसको ना क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं वो, अंडर एस्टिमेट कर गई थी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बहुत प्यारा लगेगा। ये वाकई क्या कलर था और क्या हसीन ये ड्रेस लगा था ना इस शॉल के साथ, बहुत खूबसूरत। तो वलीमे का ना आप व्लॉग देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत प्यारा लगा था माशाल्लाह। रेल कह रहे हैं लकी हैं जिनके बने हैं, ये देखें ना, ये बना है, ये बना है, ये मेरा है, दो अनस्टिच रखे हुए हैं और दो तीन बन के जा चुके हैं, ये माशाल्लाह से बहुत बना है। और ये सब डिटेल ना आपको, ये मैंने हैंगिंग खुद बनवाई है, ये सारी चीज़ें सब, ठीक है ना, ये सब तो ये आपको डिटेल उसमें मिल जाएगी, मैं लिंक डाल दूँगी। अभी मैं आपको इसकी बस डिज़ाइनिंग जल्दी से दिखा देती हूँ। दुपट्टा मैंने दिखा दिया, इसकी जो शॉल है और ये कुछ इस तरह का है, प्राइस भी मैंने बता दी है। अच्छा इस तरह की जब हैंगिंग बनवाते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव बनती हैं भाई, और इसकी तो स्पेशली स्पेशली ये कलर नहीं मिल रहा था, ये कलर जो हमने लिया है ना, ये देखिए आप हैंगिंग, उफ ठीक है, बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जो कि नहीं मिल रहे होते, ये भी बड़ा मुश्किल सा कलर था, ये देखें
छोटे बड़े, फिर ये पर्ल लगा के बड़ा खूबसूरत सा ना, ये बहुत प्यारा ड्रेस लगा है। तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये जी मैंने पहना था वली में। मैं अब आ जाते हैं इसकी ज्वेलरी की तरफ। प्राइस मैंने बता दी, अगर कहीं से मिलता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये ना सोल्ड आउट हुआ है। ये देखें, ये भी इनफैक्ट ये सारी चीज़ें बनवाई हैं, ये सारी चीज़ें बनवाई हैं, ठीक है। और ये सब पैच थे, आपको पता है मारिया बी के, अगर आपने डेफिनेटली देखे होंगे ड्रेस, तो ये बहुत सारे पैच और चीज़ें मिलती हैं, तो ये सब अलग अलग था। और जब हम ये देते हैं ना, ये सब लगवाते हैं, ये पैच लगवाते हैं और ये सब कुछ, तो फिर स्टिचिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाला भी ये ले रहा होता है, सही है ना। और ये भी पैच है, ये सब पैच है, दामन पे भी ये वाली हैंगिंग है। सब ने पूछा था ड्रेस का, मतलब सबको बहुत प्यारा लगा था, कलर इतना खूबसूरत है, विंटर में तो बहुत प्यारा लगा है ना। तो ये हो गया जी, प्राइस मैंने बता दी है। अब आ जाते हैं, मैंने इसके साथ ज्वेलरी कौन सी पहनी थी। मैंने इसके साथ पहनी थी ज्वेलरी, यहाँ बैठते हैं, ये पहनी थी मैंने, एक मिनट में ज़रा इसको सेट कर दूँ। अच्छा जी, मैंने पहनी थी ये ज्वेलरी। पहले इसके लिए ना मैंने कुछ और सोचा था, फिर माइंड चेंज हो गया था, सिल्वर ज्वेलरी चाहिए थी, तो ये मैंने अचानक ही मंगाई। अगर आपने वो तैयारी वाला ब्लॉग देखा हो तो मैंने उसमें शेयर भी किया है। बस ये अचानक मैंने मंगवाई थी, अच्छी लगी तो मैंने मंगवाई थी, और ये खूबसूरत लगी है इसके साथ। ये देखें, काफ़ी बड़ा है ये, यानी कि पूरा नेक तक जा रहा है, सिर्फ चेन नहीं है, ऐसे है ये इस तरह से, ठीक है। फ्रंट पे ये सारा आ जाता है, ये देखें इस स्टाइल में बना है, बड़ा सॉफ्ट, लाइट वेट, सॉफ्ट सा है, हैवी नहीं है। ये था, और इसके साथ एयरिंग थे ये वाले, ये देखें ये एयरिंग थे। लेकिन मुझे ना ये पता नहीं क्यों छोटे छोटे ज़रा लग रहे थे, तो मैंने फिर क्या किया, मेरे पास थे, अभी बताती हूँ मैंने कितने का लिया है ये और कहाँ से लिया है। मेरे पास एक एयरिंग रखे हुए थे जो मैंने मंगवाए थे, इसको ओपन करते हैं, ये न्यू एयरिंग मैंने मंगवाए थे, पता नहीं किस ड्रेस के साथ मैंने मंगवाए थे। तो ये फिर मैंने ये पहन लिए थे, ये पहन लिए थे इसके साथ, ये देखें, ठीक है ना। तो इतना वो नहीं, पता नहीं चला था ये। अच्छा, इसके साथ फरमाइश आई थी कि आपने बिंदिया क्यों नहीं लगाई भाई, टीका क्यों नहीं लगाया, टीका नहीं था इसके साथ तो मैंने लगाया नहीं, लेकिन हाँ अगर लगाते तो अच्छा लगता। तो ये देखेंगे इसके साथ है, मैंने ये पहन लिए थे, ये भी चल गया था, आपने बस कैरी करना होता है, सब चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लिए थे ना मैंने, ये लिए थे, ये देखें 1400 के लिए थे, बुखारी से, सही है। और ये जो सेट मैंने लिया था ना, ये लिया था, पता नहीं इसका कहाँ है वो, ये भी बुखारी से ही लिया है, और ये मिला है जी 3500 का, ठीक है, ये 3500 का मुझे मिला था। और जो पूछ रहे हैं ना कि बारात की, बारात का ड्रेस और वीडियो, वो भी जल्दी से दिखा दूंगी, वो भी ज्वेलरी बहुत हसीन है, वो तो टीके के साथ है, वो ज्वेलरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, वो मैंने जी से ली थी। तो ये हो गई इसकी ज्वेलरी, ये ड्रेस, ये ज्वेलरी जो मैंने पहनी थी। और अब इसके साथ जो मैंने हील पहनी थी, कहाँ है जी हील मैंने पहनी थी, मैं देखा हील दिखाती हूँ, हील भी, अच्छा हील मेरे पास ऑलरेडी थी, मैच करेगी इसके साथ, वो ली थी ये, ये देखें उन्जी लंदन, यहाँ से मैंने हील ली थी, ये है जी हील उन्जी लंदन से मैंने ली थी, ये देख लें इसके ऊपर भी, ये रहा उन्जी लंदन से ली थी, और ये बहुत खूबसूरत जो है ना वो इसके साथ चली गई है। ये देखें कॉपर है, ये जो कॉपर कलर है ना, ये इसके साथ ईजीली चला गया है, जिस तरह से इसमें हैंगिंग और एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना, इसके साथ अच्छा लग रहा था ये। अच्छा, मैंने पहले से ली हुई थी, अभी मैंने कोई स्पेशल शादी के लिए नहीं ली थी, ये पहले ली थी, और ये सेल में ली थी, जब सेल लगती ना रमज़ान से पहले, 50% पे ली थी ये, और 50% पे कितने की मिली थी ये, 3000 तक की मेरे ख्याल में, 3 या 3500 के अंदर होगी शायद, कुछ इतनी ही होगी। और उन्जी लंदन पे जब सेल लगी ना रमज़ान में, तो ज़रूर विज़िट किया करें, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं सेल में। तो ये थी जी मेरा वलीमे वाला ड्रेस जो मैंने पहना, ये ज्वेलरी, ये हील कितने की ली थी वो भी मैंने बता दी, प्राइस भी बता दिया, कहाँ से लिया था ये बता दिया, ड्रेस का ब्रांड भी बता दिया है कि मारिया बी का है, सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो जी ये हो गई डिटेल जो वलीमे में मैंने ड्रेस पहना था उसकी, ड्रेस की, ज्वेलरी की, मेरी हील की, सबकी हो गई। हील्स इतफाक है मिल सकती है, क्योंकि सेल में चीज़ें आती जाती रहती हैं, मैंने लास्ट ईयर ली थी, ईद पे ली थी मैंने ये, और ज्वेलरी मैंने अभी ली है, ये भी मिल जाएगी बुखारी से, और ड्रेस आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ले सकते हैं मारिया बी से। तो ये हो गया जी आज का व्लॉग, और यहाँ पे ना वैसे
इंस्टाग्राम में भी, इंस्टाग्राम बता दो क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं ना तो ये ज़्यादा देख रहे होते हैं। अच्छा इंस्टाग्राम मैंने बताया था ना, यहाँ पे वो कर दूँगी, क्या कर दूँगी, लगा दूँगी मेरा जो इंस्टा आईडी है, ठीक है वो लगा देंगे। और आप जो है मेहंदी, हाँ मेहंदी और बारात वो वाला ड्रेस आपने कहा है तो वो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर दूँगी। ये इसलिए जल्दी शेयर कर दिया कि मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रही थी, ये जो बन के आए ना इनकी मैं वीडियो मेकिंग कर रही हूँ अपने फर्स्ट चैनल के लिए, तो पूरे बेडरूम में ना कपड़े और पैकिंग ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैंने आज आपके साथ यहाँ पे ये शेयर कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर काम कर रही थी। बाकी रह गया है वलीमे वाला, सॉरी मेहंदी वाला, बारात वाला, और बारात की ज्वेलरी ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।